पोषक तत्वों का भंडार किशमिश आपके पेट, स्किन और बाल की सेहत को अच्छा रखने में मदद करती है। इसे खाने से आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होती, बाल नहीं झड़ते, चेहरे पर ग्लो बना रहता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। यही कारण है कि आप इसे डाइट का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन आजकल किशमिश मार्केट में मिलावटी भी आने लगे हैं, जिसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में इसका सेवन करके आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंच सकता है। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि असली और नकली किशमिश की पहचान किस तरह से करें। कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप मिलावटी किशमिश खरीदने से बच सकते हैं। असली और नकली किशमिश की पहचान कैसे करें? आपको बता दें, मिलावट खोर किशमिश को फ्रेश दिखाने के लिए कैनोला तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपस में ये चिपके नहीं और जैसे ही तेल का असर कम होता है इसमें से गंध आने लगती है। वहीं अगर किशमिश के सभी दानों का रंग एक जैसा नहीं है तो नकली हो सकते हैं। ये भी एक तरीका है नकली और असली किशमिश की पहचान करने का। इसके अलावा नकली किशमिश गीली ज्यादा होती है और हाथ में रगड़ने पर रंग छोड़ने लगती है। ये भी एक तरीका है मिलावट जानने का। किशमिश खाने के बाद अगर आपको उल्टी, दस्त, चक्कर आने लगते हैं तो इसे किचन से हटा दीजिए। इसे खाने से आप सेहत से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। असली किशमिश का छिलका थोड़ा सा झुर्रीदार होता है, ऐसे में अगर छिलका बहुत चिकना या चमकदार है तो वो नकली हो सकता है। असली किशमिश का स्वाद मीठा और थोड़ा खट्टा होता है। अगर किशमिश का स्वाद बहुत मीठा है तो वो नकली हो सकता है। पाचन समस्याओं से संबंधित बात करें तो नकली किशमिश में मिलाए गए केमिकल पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वहीं नकली किशमिश में मिलाए गए रंग और अन्य केमिकल एलर्जी का कारण बन सकते हैं, कैंसर का खतरा भी बन सकता है। नकली किशमिश में पाए जाने वाले कुछ केमिकल कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। वहीं असली किशमिश का स्वाद मीठा और थोड़ा खट्टा होता है। अगर किशमिश का स्वाद बहुत मीठा या आर्टिफिशियल लग रहा है तो वो नकली हो सकता है। असली किशमिश की एक खास सुगंध होती है। अगर किशमिश से कोई अजीब सी गंध आ रही है तो वो नकली हो सकती है। असली किशमिश को पानी में डालने पर ये ऊपर तैरता है। अगर किशमिश पानी में डूब जाती है तो वो नकली हो सकती है। असली किशमिश में छोटे छोटे बीज होते हैं। अगर किशमिश में कोई बीज नहीं है तो वो नकली हो सकती है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।